नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं विकास SF एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे 14 ट्रेनों का परिचालन कल से शुरू होगी और टिकट भी बुकिंग उसका शुरू हो चुकी है। तो चलिए कौन कौन से ट्रेन है उसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देते हैं। उससे पहले करूँगा छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलता रहे। वो भी सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए किस ट्रेन को इंतजार करना है, कहाँ से कहाँ तक आपको सफ़र करना है, ताकि हम आपको उसके बारे में कुछ जवाब दे सकेंगे, हेल्प कर सकेंगे। क्योंकि हर रोज़ मैं कोई ना कोई नई ट्रेनों का जानकारी आपको देते रहता हूँ, कौन ट्रेन का टिकट बुकिंग शुरू हो रहा है, कौन ट्रेन कहाँ चल रही है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा देंगे। तो चलिए देख लें, पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, पटना से जयनगर, पाटलिपुत्र से रक्सौल, राजेंद्र नगर टर्मिनल से बांका, दानापुर से साहिबगंज, दानापुर से राजगीर, मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज, सहरसा से पाटलिपुत्र। अब इसका ट्रेन का टाइम टेबल, ट्रेन नंबर, सब सारा कोई डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ट्रेन का टाइम टेबल सब डाउनलोड करने का लिंक जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहली ट्रेन जो है गाड़ी संख्या 05501 पाटलिपुत्र रक्सौल, गाड़ी संख्या पाटलिपुत्र से रक्सौल, गाड़ी संख्या 1521 पाटलिपुत्र रक्सौल इंटरसिटी के अनुरूप चलेगी, उसके अनुसार चलेगी, ठीक है। इसमें टोटल 14 कोच लगे हैं और ये ट्रेन चलेगी 21/11/2020 से 30/11/2020 तक, और ये 21 से 30 तक ये अप और डाउन में दोनों में ये ट्रेन चलेगी। यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट जो है राजेंद्र नगर बांका, गाड़ी संख्या 13/24/2 राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी के अनुरूप ट्रेन चलेगी, उसके अनुसार मतलब ये ट्रेन चलेगी। इसमें आपको टोटल 23 कोच हैं, ये 22/11/2020 से 30/11/2020 तक ट्रेन चलेगी। ये सभी ट्रेनों का आपको काफ़ी ट्रेनें हैं। अब एक ट्रेन और भी है देख, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, 03/32/35 साहिबगंज दानापुर, गाड़ी संख्या 13/23/5 साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी के अनुरूप ये ट्रेन चलेगी। इसमें 22 कोचेज हैं और ये ट्रेन 21/11/2020 यानी कल से ये ट्रेन शुरू होगी और 30/11/2020 तक ये ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट है 03/32/34 दानापुर राजगीर, गाड़ी संख्या 13/24 दानापुर राजगीर इंटरसिटी के अनुरूप चलेगी। इसमें टोटल 22 कोचेस हैं, 21 से शुरू होगी, 30 तक चलेगी, 21 से शुरू होकर अप और डाउन में, यानी कि 21 से ही ट्रेन शुरू हो रही है। इस तरह से काफ़ी ट्रेन हैं, सभी ट्रेनों का आपको लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है। टोटल 14 ट्रेन हो रहे हैं। लास्ट में ट्रेन जो है गाड़ी संख्या 05550 पटना जयनगर, गाड़ी संख्या पटना से जयनगर जाएगी और गाड़ी संख्या 1509 पटना जयनगर जनहित एक्सप्रेस के अनुरूप ये ट्रेन चलेगी। इसमें टोटल 10 कोच हैं और 21/11 से यानी कि कल से शुरू होगी और 30/11 तक ये ट्रेन जाएगी, यानी कि 30 नवंबर तक। सभी ट्रेनों के बारे में आपको जानकारी दे दिया कि इसमें कितने कोच हैं, कौन ट्रेन किस ट्रेन के बदले चल रही है, सारा डिटेल आपको जानकारी में दे दिया। इस ट्रेन में आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं सभी को टाइम टेबल, सारा कोई डिटेल जानकारी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है, कुछ ट्रेनों को शायद नहीं हुई होगी, उसका भी जल्दी टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन मैंने काफ़ी ट्रेनों को चेक किया तो सभी ट्रेनों को लगभग टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप उसका सीटें भी काफ़ी खाली है क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि कल से ही इसका अनाउंसमेंट किया गया है, तो बहुत सीटें इसका अवेलेबल है, आप इस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जानकारी को बहुत लोगों तक शेयर भी करें ताकि बहुत लोगों को हेल्प हो सके। अभी भी ट्रेन घर जाने के लिए, आने के लिए, आने जाने के लिए लोगों को गाड़ी में काफ़ी मुश्किलें हो रही है, तो उन्हें भी हेल्प हो सकेगी। मिलेंगे जानकारी के साथ।